नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल ऑन प्लांट्स एंड प्लैनेट। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि हमारे घर का जो कचरा होता है उसमें कम से कम 80% हमारा किचन वेस्ट होता है, और जैसा कि सरकारी गाइडलाइंस भी हैं कि हमें अपने घर के वेट वेस्ट को और ड्राई वेस्ट को अलग अलग करके रखना है, तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल हो जाता है सेग्रीगेट करना वेट वेस्ट को और ड्राई वेस्ट को। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अपने घर पर ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करें, जिसमें कि पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों जो हमारे प्लांट की न केवल ग्रोथ के लिए बल्कि अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि हमें होम कंपोस्टिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए ग्लव्स, तो हमें उसके लिए चाहिए एक ड्रम, ये हम मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक का भी। मैं प्लास्टिक का ड्रम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ड्यूरेबल होता है और आसान होता है इसमें कंपोस्टिंग करना। और इसके साथ हमें चाहिए कोकोपीट, और हमें चाहिए गार्डन सॉयल, इसके साथ हमें चाहिए वर्मी कंपोस्ट, और हमें चाहिएगा इसके लिए कोको हस्क, ये बहुत ज़रूरी होता है। और हमें चाहिए ऐसे सूखे पत्ते, अक्सर हम गार्डनिंग करते ही हैं घर में और हमारे जो प्लांट जो उनके पत्ते सूख जाते हैं, तो वो इकट्ठा करके आप रखें, और ये सूखे पत्ते हमें इसमें चाहिएंगे। और चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़रूरी है इसका पार्ट, ये हमें चाहिए किचन वेस्ट। इस किचन वेस्ट में आप देखिए केले के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, इसमें चाय की पत्ती है। चाय की पत्ती को आप इसमें डालने से पहले अच्छे से धो लें, क्योंकि चीनी रहती है वो इसमें नहीं आनी चाहिए। तो आप कोशिश करें उसको अच्छे तरह से छानने के बाद ही आप इसे किचन वेस्ट में ऐड करें। और इसके साथ हमें चाहिए ये छाछ, इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से कंपोस्टिंग करें। तो जो ये ड्रम मैंने लिया है, आप देखिए मैंने इसके अंदर बहुत सारे होल किए हैं, ये आप देख सकते हैं अंदर से भी, और इसके ढक्कन पर भी मैंने ये बहुत सारे होल किए हैं ताकि इसमें एक एयर वेंटिलेशन बना रहे, हमारी कंपोस्टिंग आसानी से हो सके। और नीचे की तरफ मैंने बनाया है ये ड्रेनेज होल, क्योंकि कचरे का अंदर से जो पानी निकलता है वो इस पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इसे हम ऐसी जगह प्लेस करेंगे जहाँ ये आसानी से इसमें पानी भी निकल जाए। तो ये देखिए मैं दो टाइल्स के ऊपर मैंने रखा है इस तरह से। और अभी सबसे पहले मैं इसमें जो रखूँगी सबसे नीचे, वो मैं ये कोको हस्क रखूँगी। ये कोकोनट जब भी हम घर में लेकर आते हैं तो ये ऊपर से इस तरह का जूट निकलता है, तो इस जूट को आप यहाँ इस्तेमाल करें। और इसकी जो फर्स्ट लेयर होगी वो कोको जूट की होगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिट्टी, जी हाँ ये गार्डन सॉइल है। ये हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि इस मिट्टी के थ्रू हमारी कंपोस्टिंग आसान हो जाती है। ये जो हमने गाइस लाइन बिछाई है, एक लेयर नीचे कोको हस्क की और दूसरी लेयर गार्डन सॉइल की, तो जो नीचे किचन वेस्ट का पानी जाता है ये उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और कंपोस्टिंग को आसान बना देगा। इसलिए हम सबसे पहले ये लेयर इसमें बिछाते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके साथ जो हम थर्ड लेयर डालेंगे वो वर्मी कंपोस्ट की डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे कोकोपीट, अब इसके बाद हमें डालना है ये पत्ते, इसकी एक लेयर हम इसमें डालेंगे। चलो, इसके लिए अलग से पत्तों का खाद बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हमारे लीफ कंपोस्ट भी तैयार हो जाता है।
और ये है हमारा किचन वेस्ट। अब ये हम डालेंगे इसमें, इसमें सभी सब्जियों के, फलों के छिलके, उसमें एग, जो अंडे के छिलके होते हैं। तो ये एक लेयर बिछा दी है हमने इसकी, और अब इसके बाद हम इसे वापस से कोकोपीट इस पर डालेंगे। अब सेम हम ऐसे ही इस पर एक मिट्टी की लेयर बिछाएंगे। और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट की एक लेयर डालेंगे इस पर। अगर वर्मी कंपोस्ट की जगह आपके पास गोबर की खाद है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था छाछ, इस छाछ से भी हमारी कंपोस्टिंग बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी होगी। तो जब भी आप किचन वेस्ट इसमें डालें तो उसमें एक लेयर आप इसमें मिट्टी की बिछाएं, दूसरी लेयर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट की, और अगर आपके पास छाछ अवेलेबल रहता है तो थोड़ा सा छाछ आप इसमें ज़रूर ऐड करें। तो गाइस, ये है तरीका होम कंपोस्टिंग का, और इसे आप बीच बीच में आप इसे किसी भी चीज़ से इसे हिलाते रहें ताकि इक्वली कंपोस्टिंग हो सके। तो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों के बाद फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार हुआ है, ये शुरुआत में थोड़ा मॉइस्ट था क्योंकि गीला रहता है अंदर ड्रम के अंदर, तो मैंने इसको अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया था, और उसके बाद इसको हाथों से रब करके और एक बड़े सी मोटे छेद वाली छलनी में छान करके इसको, ये प्रोडक्ट मेरा भी तैयार हो गया है। तो बहुत आसान होता है घर पर खाद बना लेना। करीब एक महीने पहले मैंने आपको बोगनवेलिया का एक वीडियो शेयर किया था। ये वही फ्लावर्स हैं जो कि अभी सूख गए हैं लेकिन झड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैंने टमाटर के पौधे लगा करके रखे हैं, इसमें देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है, और इस पर बहुत सारे दर्जनों इस पर बर्ड्स बनी हुई हैं जिसमें आने वाले समय में फ्रूटिंग होगी। तो वेजिटेबल प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छी ये खाद होती है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और गाइज बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।